हेलो डियर व्यूअर्स, अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए जो इस साल का कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हम थोड़ी बहुत नेट वालों के लिए भी बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक तो ये चीज जरूर सुना होगा कि शिवम भाई ने आज एक वीडियो बनाई, तो उन्होंने कहा था कि जो एडवोकेट्स आप लोगों के लिए पिछली बार लड़ने गए थे, मेन एग्जाम को कैंसिल करवाया था, वही एडवोकेट्स इस बार भी हायर किए गए हैं, वही एडवोकेट्स आप लोगों के एग्जाम को कैंसिल करने के लिए लड़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी चीजों का डिटेल्स मैं इस वीडियो में दूंगा। आप लोगों को आपके 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 मिनट मुझे दे देना है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका टेंशन दूर नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, मैं आप लोगों से एक चीज माफी मांगकर एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग काफी लोग मुझे जब भी मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, तो एक बात बहुत ज्यादा कॉमन रहती है कि भैया हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में है और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को हंसाने की कोशिश और आपके मिजाज को अच्छा करता हूँ, फिर मैं न्यूज देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों से कहा जाता है और हम लोगों ने काफी जगहों पर यह चीज पढ़ा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले ऐसा जरूर होता था कि हमारे देश में जो खुशहाली थी, जो मतलब हम लोगों को काफी सारे जो मतलब सोने मोती हीरे जो भी कहा जाता है ये सब थी, लेकिन आज के डेट पे अगर आप लोग देखोगे तो सब कुछ करप्शन हो चुका है, सब कुछ करप्शन हो चुका है। आपको बस आपको देश मिलेगी लेकिन सोने और हीरे कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अपने देश से उतना ही प्यार करते थे जितना कि पहले करते थे और आगे भी करेंगे, लेकिन जो गलत होता है मेरे प्यारे दोस्तों, गलत चीज तो देखना ही चाहिए। तो अब आप लोगों के साथ क्या हुआ है इसको रिलेट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आरआरबी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आज मैंने आप लोगों को रिपोर्ट किया, क्योंकि वो क्यों पोस्टपोन कर दिया गया आप सबको पता है कि वो जॉब गिविंग एग्जाम है। अगर आप वो एग्जाम पे अपियर होते हैं तो आपको जॉब मिलेगी रेलवेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, और जहां पर मनी टेकिंग की बात है, जहां पे पैसा लेना है, वो है जी और नीट। इसलिए जी को कंडक्ट कराया गया और आगे जो नीट भी होने वाला है, लेकिन नीट को भी लेकर काफी सारे बातें उठ रही हैं, पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के लिए। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पे जरा आप लोग देखिए, फिर मैं कंपार्टमेंट के लिए आता हूं कि यहां पर अनुभव मैम ने आज कहा है कि हम लोग ट्विटर पे कोशिश तो कर रहे हैं पर ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अगर कुछ होता है तो देखेंगे, लेकिन मैं अगर आपको सलाह दूं मेरे प्यारे दोस्तों मेरी तरफ से, तो आपको पढ़ाई करना ही बेटर है, क्योंकि और कुछ भी दिन नहीं बचे हैं, अब गिनकर 4 या 5 दिन ही होंगे। 13 तारीख को आपका एग्जाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्विटर करना या फिर PIL करना सुप्रीम कोर्ट में, मुझे नहीं लगता कि इसका ज्यादा असर हो पाएगा, इसीलिए पढ़ाई करते रहिए, अगर कुछ निकलेगी बात आएंगी तो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। अब चलते हैं अगली तरफ। आप लोग काफी कंपार्टमेंट स्टूडेंट ये चीज पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कितने चांसेस हैं कंपार्टमेंट कैंसिल होने का, ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का। मेरे प्यारे दोस्तों, चांसेस तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, चांसेस में अगर देखे जाए तो एक झटके में भी कैंसिल हो सकता है और एक झटके में आपका एग्जाम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है। आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मेरे प्यारे दोस्तों जब जाने वाले हैं हमारे जो एडवोकेट्स आपके पिछले मेन एग्जाम को कैंसिल कराए थे, वही एडवोकेट्स इस बार हायर हुए हैं। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और जो भी केस लड़ते हैं ज्यादातर जिता ही देते हैं। मैंने जितना तक सुना है इन एडवोकेट्स के बारे में कि वो लोग बहुत सारे केसेस जीते हैं और पिछले बार भी आपका एग्जाम को कैंसिल कराए थे, तो होप है कि ऐसा ही कुछ हो। मुझे लगा ये बात आपको बतानी चाहिए ताकि आपका टेंशन थोड़ा दूर हो, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों की, आप लोगों को पता है कि अभी टीवी पे एक ऐड चल रहा है, वोडाफोन प्लस आइडिया दोनों मिल चुके हैं, वी करके बहुत ज्यादा ऐड आ रहा है और हम लोग काफी ज्यादा इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। टीवी पे एक बार ऐड आ जाए तो ठीक है, पर 50 बार आने से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन इस चीज को आप लोग जरा खुद के लाइफ में समझने की कोशिश करिए, वैसे ही HRD मिनिस्टर और हमारी CBSE है, वो दोनों मेरे प्यारे दोस्तों मिल चुके हैं जैसे वोडाफोन और आइडिया, और वो लोग मिलकर वी कर रहे हैं। यहाँ पर वी हो रहा है, वहां पर वी हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो हम तो आपको अपडेट देना चाहते हैं और देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जरा स्क्रीन पे आप लोग देखिए, सेम है रानू मंडल जैसा ही हालत है कि स्टूडेंट आस्किंग फॉर जस्टिस एंड रानू मंडल जैसे कह रही है सुनाई नहीं दे रहा है, सेम आपका सिचुएशन है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का ये वीडियो का ज्यादा मकसद था आपके मूड को थोड़ा शांत करना और अच्छी खबर को देना। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का सबसे बड़ा सवाल है, भैया एडमिट कार्ड आ गया क्या? एडमिट कार्ड आप लोग मना कर रहे हैं 10 तारीख से पहले डाउनलोड करने के लिए। 10 तारीख से पहले डाउनलोड करने का रीजन ये है कि रमेश पोखरियाल जी आपको ये ना कह सके कि बच्चों ने डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड तो वो लोग एग्जाम देना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो सबसे वैलिड रीजन मैं आप लोगों को ये दे दूं कि अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, हो सकता है आज रात या फिर कल तक आ जाए या कल आ जाए, तो बी अवेयर, आप 10 तारीख के बाद ही डाउनलोड करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए उसके बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को थोड़ा मूड अच्छा करना था, मोटिवेट करना था कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सुबह के वीडियो में 9 से 10, आपका साथ में कभी नहीं छोड़ूंगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम और ट्विटर, भले ही रिप्लाई देने में लेट होगी पर अब तक रिप्लाई आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का चैनल प्रमोशन कर दूंगा अगले महीने से। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए।